हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष यादव है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से। आज हम कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं और एज अ आई एम बिलोंगिंग टू द साइंटिफिक कम्युनिटी, मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर से काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूँ। और हम ये कहानी पूरे कोरोना वायरस की पढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिक समझने के हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है, तो मे बी ये हेल्पफुल होगा। तो कोरोना वायरस की कहानी कहाँ से शुरू होती है ये देखते हैं। कोरोना वायरस को सबसे पहले कोरोना क्यों कहा जा रहा है ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है, पर उससे पहले इसकी कहानी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहानी ये होती है कि जो वुहान सिटी है अपना जो चाइना में, यहाँ जो कोरोना वायरस का जो फर्स्ट सिम्टम है वो देखा गया था जो वेट मार्केट में, यहाँ जो वेट मार्केट बोला गया है जहाँ मछली या फिर जो सी फूड्स होते हैं उनकी सेलिंग होती है, वहाँ से आया है। तो जनरली अभी तक जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं वो ये कहते हैं कि आया है बैट से, बैट यानी चमगादड़। तो एक्चुअली हुआ कैसे ये बैट से आया, मे बी कोई सा भी ट्रांसमिशन हुआ होगा, तो इस ट्रांसमिशन को जूनॉटिक ट्रांसफर बोलते हैं। ये हुआ है जूनॉटिक ट्रांसफर। जूनॉटिक यानी ये जो वायरस था प्रेजेंट था बैट में, और बैट से ये किसमें आ गया, ह्यूमंस में आया है। अब क्योंकि ये एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज जा रहा है, इस कारण इसको जूनॉटिक ट्रांसफर हम बोल रहे हैं। तो 2 दिसंबर 2019 से ये सारी कहानी शुरू होती है, जब इस कोरोना वायरस को पैंडेमिक ग्लोबली घोषित कर दिया गया था। पैंडेमिक और एपिडेमिक में डिफरेंस ये होता है, जब कोई डिजीज एक क्षेत्र विशेष में फैली रहती है तो वो कहलाता है एपिडेमिक, और जब ये इस क्षेत्र विशेष से निकलकर दूसरे प्रोविंस में भी चली जाती है, ग्लोबली स्प्रेड हो जाती है, तब ये कहलाता है पैंडेमिक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया कि ये बैट से है, क्योंकि आपने चाइनीज लोगों को मैक्सिमम देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीटली कुक्ड फूड नहीं खाते और सी फूड्स ज़्यादा खाते हैं, कॉकरोच हो गया, जो भी हो गया इंटरस्पीसीज। तो इस कारण ये ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो रिजम्बलेंस है फाइलोजेनेटिक, एक वर्ड आता है फाइलोजेनेटिक जो रिजम्बलेंस है उसका, इस वायरस का जो ज़्यादा सिमिलरिटी है वो किससे मिल रहा है, बैट से। तो इस जो कोरोना वायरस है इसका जो रिजर्वायर है, अगर किस किस में पाया जाता है, तो अभी तक हम जो देखा है कैमल हो गया, बैट हो गया और चिपैंजी, इसमें ये कोरोना वायरस मिले हैं, ठीक है। और अभी तक पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च कहती है उसके हिसाब से 7 ह्यूमन कोरोना वायरस मिल चुके हैं। एच फॉर ह्यूमन है और ये कोरोना वायरस। तो आप जैसे देखे होंगे कि कोविड यूज किया जा रहा है, कोविड और 19, क्योंकि दिसंबर 19 में ये केस प्रिवेलेंट्स हुए हैं। 7 कोरोना वायरस है, फैमिली बिलोंग करती है कोरोना वेरिडी, और जो 7 ह्यूमन कोरोना वायरस हैं इसकी जो कोरोना वायरस की क्लास है, कोरोना वायरस जो है कोरोना वेरिडी में एक टोरो वायरस भी आता है, ठीक है। तो ये है अभी तक 7 ह्यूमन कोरोना वायरस देखे गए हैं। ह्यूमन कोरोना वायरस लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट किए हैं। जूनॉटिक मैंने बता रखा है, आपने एक वर्ड और सुना होगा मर्स के बारे में, और एक सुना होगा सार्स के बारे में। ये जो सार्स है वो 2002 में चाइना में फैला था। तो ऑलरेडी अगर आप जानते हैं कि सार्स से इनकाउंटर हो चुका है चाइना का 2002 में, और मर्स है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम,
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर, और ये मिडिल, ये मिडिल इसलिए है मिडिल ईस्ट क्योंकि ये मिडिल ईस्ट एरिया जिसमें ईरान है, यमन है, ओमान है, ये सारे जो कंट्रीज आते हैं वहां ये वायरस फैला था। और सार्स है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो आपका अपर ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी अपर ट्रैक्ट जो होता है उसको इन्फेक्ट करता है। जो मर्स है मिडिल ईस्ट था, तो ये जो आया था, ये आया था कैमल से, क्योंकि जिन पेशेंट्स में ये वायरस देखने को मिला है उनकी जो हिस्ट्री रही है उसमें कैमल मिल्क ड्रिंकिंग, और वो कैमल से उनका कांटेक्ट आइडेंटिफाइड किया गया था। तो ये मर्स के बारे में, सर्स को है, तो कोरोना एकदम ही नई बीमारी या एकदम न्यू चीज़ नहीं है। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो पहले से इस वायरस के बारे में अवेयर थी और अवेयर है, बहुत सारे कोरोना वायरस होते हैं, केवल अभी जो है 7 आइडेंटिफाइड हैं। अब ये जो कोरोना वायरस है, मैंने 7 बता दिए हैं, 7 के नाम भी अगर मैं बताना चाहूँ तो 229E ह्यूमन कोरोना वायरस, और ह्यूमन कोरोना वायरस आपका है NL63, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1, एंड SARS कोरोना वायरस, ये एक अलग ही है SARS कोरोना वायरस, जिसमें आपका MERS भी आता है, MERS हो गया आपका, SARS COV2 जिसको कोविड भी बोल रहे हैं, तो ये इसमें आ गया। और लास्ट जो है जो एवियन स्पीसीज में पाई जाती है। तो 3 ग्रुप में इन कोरोना वायरस को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो वेट मार्केट से ये जूनोटिक ट्रांसफर होके ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ है, जब ये ट्रांसफर हुआ तो जो उसका जो सिम्टम्स हैं उसमें जनरली 10-14 डेज देखा गया सिम्टम्स आने में। सिम्टम्स में फीवर है आपका, टेस्ट टेस्टलेस सेंसेशंस हैं, कफ है, और इस टाइप की जो बेसिक जो कोल्ड या फ्लू लाइक सिस्टम होते हैं या न्यूमोनिया लाइक सिस्टम होते हैं, वो सारे सिम्टम्स देखे गए थे पेशेंट में। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये अब तक की है। अब जो कोरोना वायरस आते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो कोरोना वायरस है वो एक एनवलप है कोरोना वायरस का, जिसको हम ई प्रोटीन बोल सकते हैं। इसमें आपका सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस एकदम इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए प्रेजेंट है। यहां इसके जो आउटर शेल है इसमें इस टाइप के स्पाइक मिलेंगे। आपने बहुत सारे आप फोटोज देख रखे होंगे कोरोना वायरस से, तो इस तरीके के स्पाइक आपको मिलेंगे। ये मैं स्पाइक ड्रॉ कर देता हूं। इस स्पाइक की जो और जूमिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। मैं इसको जूम करके आपको यहां दिखा रहा हूं। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपका मेम्ब्रेन है, जो वायरस का मेम्ब्रेन है, और ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। ये एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जिस तरीके से आपके बाहरी लेयर से ये वायरस बाइंड ऑफ होगा, तो इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर के कारण हम इसको क्या कहेंगे, कोरोना वायरस। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए है ये न्यूक्लियो प्रोटीन से वाइंड अप रहता है, ठीक है,
ये 5' 3' और टेल और कैप की बात हो जाती है। और इसमें आपको मिलेगा आरएनए विथ न्यूक्लियो प्रोटीन, ये जो मैं स्मॉल डॉट्स बना रहा हूँ ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। उसके बाद आपका आता है एच ई डाइमर, यहाँ मिलेंगे आपको, जिसको हम बोलते हैं हेम ए ग्लूटिनिन इस्टरेज डाइमर। और उसके बाद आता है मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। और आता है आपका ई प्रोटीन, जो एनवेलप प्रोटीन मैंने बता रखा है। और आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन है हेम प्रोटीन, लिख देता हूं मैं। तो एक मोटे मोटे तौर पे आपको एक स्पाइक प्रोटीन का भी मैंने जिक्र करता हूँ यहाँ, स्पाइक प्रोटीन। तो एक एस प्रोटीन आपका हो गया, आपका ई प्रोटीन हो गया एनवेलप प्रोटीन, और आपका एक एम प्रोटीन हो गया जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसका क्या रोल है ये मैं आपको बताता हूँ। गाइस, पूरा लेक्चर जो है वो 4 एपिसोड में बना है, और पूरे कोरोना वायरस की कहानी और उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरीके से वैक्सीन यूज़ हो रही है भारत में, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनी है, और मोडर्ना की जो mRNA टाइप बेस्ड वैक्सीन है उस वो किस तरीके से एक्शन करती है, ये सब कुछ समराइज मैंने किया है काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में। मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की ताकि आप सभी को जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाए। तो होप गाइस ये सारी जो मेरी मेहनत है आपको पसंद आएगी, एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू से टू मी कि मुझे और किस तरीके के वीडियो बनाने चाहिए। और प्लीज़ कोई एडवाइस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और प्लीज़ डू सपोर्ट मी, एंड थैंक यू।